नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमारी आने वाली नई न्यूज वीडियो देख पाए सबसे पहले। 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास की वो तारीख है जब हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ था। ठीक इसी दिन हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बना, जहाँ भारत से एक दिन पहले ही यानी 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दरअसल हुआ यूं था कि ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक में 15 अगस्त 1947 की तारीख दोनों देशों की दी थी, लेकिन इस अधिनियम में जारी किए गए पहल स्टाम्प में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में उल्लेख किया। पाकिस्तान को अपने पहले पते पर ऐतराज था। उस समय जिन्ना ने कहा था, 15 अगस्त पाकिस्तान के स्वतंत्र और संप्रभु राज्य का जन्मदिन है, यह मुस्लिम राष्ट्र के भाग्य की पूर्ति का प्रतीक है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में अपनी मातृभूमि बनाने के लिए महान त्याग किए हैं। 1948 में पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1947 को कराची में सत्ता के हस्तांतरण का आयोजन किया था। इस दौरान 14 अगस्त 1947 को मुस्लिमों की एक बहुत ही पवित्र तारीख रमजान का 27वां स्थान दिया गया, इसलिए पाकिस्तान में 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। यह बात आज़ादी से पहले यानी सन 1929 की है, जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पम जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना गया था। उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने सन 1930 में स्वतंत्रता दिवस कुछ वार्डों में ही मनाया, और यह तय किया गया कि भारत ने अभी स्वतंत्रता हासिल नहीं की है, और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया। लेकिन 15 अगस्त कैसे भारत का स्वतंत्रता दिवस बन गया, इसके पीछे की ऐतिहासिक कहानी काफी दिलचस्प है। हुआ यूं था कि लॉर्ड माउंटबेटन को ब्रिटिश संसद द्वारा 30 जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरित करने का जनादेश दिया गया था। उस समय सिराज गोपालाचारी ने कहा था कि यदि माउंटबेटन जून 1948 तक स्थानांतरित नहीं होते हैं तो उन्हें सारी शक्तियां छोड़ देनी होंगी। उस दौरान माउंटबेटन ने दावा किया कि जून 1948 को आगे बढ़ाकर अगस्त 1947 किया जाए, ताकि किसी तरह का रक्तपात या दंगा न हो, लेकिन यह निर्णय गलत साबित हुआ। हालांकि बाद में माउंटबेटन ने यह साबित करने की कोशिश की कि जहां भी औपनिवेशिक शासन समाप्त हो गया है वहां रक्तपात किया गया है, यही वह कीमत है जिसे आप भुगतान करते हैं। माउंटबेटन के इनपुट के आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया था और एक पखवाड़े के भीतर पारित हुआ था, और इस तरह भारत को आज़ाद घोषित करने की घोषणा 15 अगस्त 1947 को की गई। इस तरह भारत में ब्रिटिश शासन के अंत हो गया और भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बनाए गए, जिसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की अनुमति दी गई थी। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो, यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।